नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको बताएंगे। बता दें कुछ डॉक्यूमेंट आप रेडी कीजिए, जैसे कि आप अपना आयजात जो है कर लीजिए। जो जनरल कैंडिडेट है उनको केवल आय की जरूरत है, और जो ओबीसी एससी कैंडिडेट है उनको जो आय और जाति दोनों की जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको ऑनलाइन वेरीफाई करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी चाहिए, और आपको आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाने वाले, पूरा फॉर्म भर के भी दिखाने वाले, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले आपको बता दें फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म आपको rozgarresult.com पर मिल जाएगा। आपको नीचे आना है, यहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म उपलब्ध है, जहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूं जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट। दोस्तों गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखते हैं तो चेक कीजिए जो वेबसाइट खुली है उस पर .com लगा है कि नहीं, क्योंकि नहीं लगा तो नकली और फेक वेबसाइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल वाली वेबसाइट ही खोलनी है, इस लोगों को भी पहचानी। अगर जिस पे ये लोगो नहीं है वो दूसरा कोई लोगो आ रहा है तो नकली वेबसाइट है। आपको सीधा नीचे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे यूपी स्कॉलरशिप का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको नीचे आ जाना है बिल्कुल भी, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, तो देख सकते हैं नया पेज हमारा ओपन हो चुका है। जैसे ओपन होगा यहाँ पे कुछ जानकारी मैं आपको बता दूँ। ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये केवल एससी और एसटी वालों का है, ये सेकंड वाला ओबीसी है, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका माइनॉरिटी का है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ओबीसी वाला, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वाले में कीजिएगा, एससी एसटी से करते हैं तो उसके लिए मैं बता दूँ। ये मैं आपको फ्रेश कैंडिडेट का प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो रिन्यूअल वाले लोग हैं उनका मैं अलग से बनाऊंगा। तो बहरहाल मैं अभी ओबीसी को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, एक आपको दे रहा है प्री मैट्रिक, प्री मैट्रिक में आपका क्लास 9th और 10th हो जाता है, पोस्ट मैट्रिक में आपका 11th और 12th हो जाता है, और आपका जो दसमोत्तर है यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, इसमें आपके सभी कोर्स जो है आ जाएंगे, जैसे कि आपका बीए, बीएड, एमएड, डिप्लोमा, सभी कोर्स जो है इसी में आएंगे। तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना है कि आप जो है किस कॉलेज यानी किस यूनिवर्सिटी में जो है और किस शहर में जो है आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कॉलेज है। तो मैं यहाँ पे जो है आगरा सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आगरा से ही पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने आगरा कर दिया। आपका जो भी जिला हो यानी कि जो भी हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और जिस जगह आपने कॉलेज किया, मान लीजिए आप रहने वाले आगरा के लेकिन आप पढ़ाई जो है लखनऊ में कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लखनऊ जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कॉलेज के नाम आ गए, तो ढेर सारे कॉलेज के नाम आ रहे हैं। तो जो आपका कॉलेज का नाम हो उस कॉलेज के नाम पर जो है आपको क्लिक करना है। तो मैं अपने कॉलेज का नाम देख लेता हूँ, तो आपके कॉलेज का नाम यहाँ मिलना जरूरी है। मान लीजिए इन केस अगर आपका कॉलेज का नाम यहाँ नहीं मिलता है तो आपको जो है अपने कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा, फिर वो कॉलेज वाले अपना नाम यहाँ पे ऐड कराते हैं। बहरहाल मेरे कॉलेज का नाम यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम जो है डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डाल देना है, और यहाँ पे आपको जो है धर्म डाल देना है। थोड़ी साइट इनकी थोड़ी स्लो चलती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में कम से कम आप मान के चलिए कि अराउंड 20 से 25 मिनट लग सकता है। अगर आप इस फॉर्म को रात में भरेंगे यानी कि 12 बजे के बाद भरेंगे, तो आपका ये फॉर्म बहुत ही जल्दी मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही जो है भर जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे मैंने हिंदू सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, बता दें नाम आप जो डालना है वो अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पे ही आपको जो है डालना है। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम डाल देना है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर डाल देना है। जेंडर डालने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा फिल लोडिंग लेगा, तो 2 मिनट समय लगेगा। जैसे आप मेल पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल जो है कब पास किया है। यहाँ पे बोर्ड का नाम देना है आपको, किस बोर्ड से आपने पास किया, तो आपने जिस बोर्ड से भी किया हो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको जो विद्यालय का नाम जो है डालना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। बता दें आधार कार्ड नंबर वही वाला डालिएगा जो आपका आधार कार्ड के नंबर से लिंक हो, तो मोबाइल नंबर वही वाला डालना है जो आधार कार्ड के नंबर से लिंक हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी हो, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। बता दें पासवर्ड 8 से 12 करेक्टर के बीच होना चाहिए, उसमें जिसमें अक्षर का भी और स्पेशल करेक्टर का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ आप पासवर्ड किस तरीके से सिंपल सा बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे मेरा नाम है सुरेश, तो मैं पासवर्ड एस कैपिटल से लिख देता हूँ, SURESH@123, या आप हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, #123, या आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने सरनेम के हिसाब से बना सकते हैं KUMAR@123। इस तरीके का आपको कुछ पासवर्ड जो है लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों सब डालने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बता दें पासवर्ड अपना एक जगह नोट कर लीजिएगा, जैसा कि इनके कॉलम नंबर 19 पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डालने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे बता दें आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप जो है मिल जाएगी। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट का मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप उसको मोबाइल से भर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भर रहे हैं तो आप उसको सेव कर लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो उसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिए। इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ होम वाले बटन पर क्लिक करना है। होम वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे जाना है। यहाँ पे आपको फ्रेश लॉगिन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे। अगर आपको अदर स्टेट के तो नीचे वाला सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको येलो ऑप्शन सिलेक्ट करना है 10 उत्तर के लिए। और प्री मैट्रिक इंटरमीडिएट का मैंने आपको जानकारी दी है उसी पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको जो है लॉगिन अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो डालना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है और एक कैप्चा जो है उस कैप्चा को डाल के सबमिट करके आगे बढ़ना। अगर आपका पासवर्ड किसी वजह से नहीं ले रहा है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने पासवर्ड को रीसेट जो है कर सकते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। आपको दिखा दे डैशबोर्ड में आपको बहुत से फॉर्म आपको दिखाई देंगे कई चीज़ें, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था आपको अपना आयजात भी वेरीफाई करना है और साथ ही साथ OTP प्रामाणिकता जो है ये आपको आधार कार्ड वाले नंबर पे OTP जाएगा उस पर आप करना है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको किसी भी आधार कार्ड का जो सेवा केंद्र है वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरे, तो देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन जिसको मैंने मार्क किया इस पर आपको क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वागत प्रोसेस पहले से चढ़ा रहेगा। यहाँ पे आपका कोर्स का डिटेल पूछ रहा है कि आपका कोर्स कौन सा है। जैसे मेरा बीएड है तो मैंने यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन पे जो है क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डिटेल्स भी जो है आपको डालना है। बहुत से रिन्यूअल कैंडिडेट ऐसे हैं यानी सेकंड ईयर के कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी या नहीं भरा था, वो भी एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स आपको अपडेट होगा। तो देख सकते हैं साइट थोड़ा लोडिंग ज़्यादा ले रही है जिस वजह से थोड़ा इस फॉर्म वीडियो को बनने में समय भी लग रहा है। तो हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं आप ग्रीन वाला रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये स्टेप जितने भी येलो है ये सभी ग्रीन होने चाहिए। यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल डिप्लोमा है या बीटेक वगैरह तो यहाँ पे आपको ब्रांच जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देख सकते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पाठ्यक्रम की अवधि, जैसे बीएड आपको पता है 2 साल का होता है, आप इस समय किस ईयर में हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जो लोग सेकंड ईयर वाले हैं वो यहाँ से 2 पे क्लिक कर दे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछ रहा है लेटर यानी कि डायरेक्ट एंट्री पे आपका एडमिशन तो नहीं हुआ। अगर आपका ऐसा हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आवासीय और दीवा छात्र का ऑप्शन है। आवासीय यानी हॉस्टलर हो स्टूडेंट हो गए, दीवा यानी आपका आपको नॉर्मल छात्र हो गए। तो मैं यहाँ पे दीवा पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा वर्तमान यानी कि इस वर्ष जो है जब आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो है किस तारीख को जो है एडमिशन हुआ है। तो आपका एडमिशन में आपने जिस दिन फीस जमा की है वही आपका जो है एडमिशन की तारीख जो है माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जिस तारीख को फीस जमा की है वो डाल दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कोई जो है आपका कोई पंजीयन यानी एनरोलमेंट नंबर वगैरह कुछ है, अगर आपके पास ऐसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपको जो किस यूनिवर्सिटी से आपको जो कॉलेज है वो अटैच है, तो मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल देता हूँ यानी यूनिवर्सिटी का नाम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डाल दिया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कक्षा 12 पे जो एडमिशन है आपका, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के अंकों के मेरिट आधार पर एडमिशन हुआ है। जैसे आपको पता है कि जो बीएड का एडमिशन है वो जो है कक्षा 12 के अंकों पर नहीं होता, तो आपको यहाँ पर नो करना है। लेकिन अगर आपका बीए बीकॉम बीएससी है तो आपको 12 के अंक के आधार पर एडमिशन होता है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता पूछ रहा है यानी कि जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसकी स्नातक है तो स्नातक डाल देंगे। यहाँ पर आपने क्या किया है आपको उसका डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे पूछा है कि आपने UPTU AKTU GCAP नीट के माध्यम से एडमिशन तो नहीं लिया, क्योंकि बहुत से अगर आपका इस टाइप का कोई कोर्स है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके प्रवेश का जो इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, प्रवेश परीक्षा की वर्ष भी जो है आपको कुछ नहीं डालना है। नीचे आएंगे यहाँ पे आपका हाई स्कूल का डिटेल्स पूछ रहा है कि यानी हाई स्कूल आपने जो है कब पास किया, इसी तरह आपको इंटर का पूछ रहा है कि इंटर आपने कब पास किया। यहाँ पे आपको पूर्णांक डालना है कितने नंबर का था और आपको कितना नंबर मिला है, परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो है हाई स्कूल का भी इंटर का भी करना पड़ेगा। तो परसेंटेज मैं यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पर बोर्ड के नाम पर अपना यूपी बोर्ड डाल देता हूँ, सेम वही प्रोसेस करता हूँ, यहाँ पर भी यूपी बोर्ड डाल देता हूँ। जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन भी है तो मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है ऐड न्यूरो, इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों एड्रो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमारा खुल चुका है। यहाँ पे हम जो है अपना जो है शैक्षिक योग्यता डाल सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट है तो मैंने यहाँ पे बीकॉम जो है डाल दिया है। यहाँ पे आपने उसको जो है कब पास किया है उसका आपको डिटेल्स दे देना है, कितने नंबर का था और कितना नंबर आपको जो है मिला है। यहाँ पे आपको सेम वही परसेंटेज निकालना है, तो मैं अपना परसेंटेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है
और अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी है तो आप उसको यहाँ पे ऐड ड्रो करके दे सकते हैं। सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है। तो हम सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप उसको सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं अगले स्टेप पे आ चुके हैं, यानी कि आपको जो है यहाँ पे अपना पता जो है डालना है। तो आपको जो आवासीय पता हो आप डाल दीजिए, मैं अपना पता डाल देता हूँ। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे आपको जो है विकलांगता पूछ रहा है, अगर आपको कुछ विकलांगता है तो दे दीजिए, नहीं तो आप उसको सिंपली छोड़ के यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को डालना है और अपडेट करके आगे बढ़ना है। तो मैं अपडेट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप अगले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हमारे जो जो स्टेप होते जा रहे हैं वो ग्रीन होते जा रहे हैं, जो स्टेप बचा है वो जो है येलो है। तो यानी हम आ चुके हैं अपने बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स वो है कि जहाँ पे आपको अपना पैसा जो है रिफंड चाहिए उसका आपको जो है डिटेल्स देना है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा खाता है। यहाँ पे पूछ रहा है किस जिले में आपका खाता है, उस जिले का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम आ जाएगा और जैसे आप उस ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे तो आपका IFSC कोड अपने आप आ जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैंक आप दें उसका डिटेल्स अकाउंट नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लें, क्योंकि अगर आपका डिटेल्स गलत होगा तो आपका खाते में पैसा नहीं आएगा, जैसा कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में होता है। दोस्तों जैसे मैंने अपनी ब्रांच सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं ब्रांच कोड जो है यहाँ पे आ चुका। अब आपको खाता नंबर जो है देना है और मैं यहाँ पे खाता नंबर अपना फिर से दोबारा जांच लेता हूँ। खाता नंबर सही है कि नहीं, यहाँ पे आपको नाम डाल देना है कि जिस नाम से आपका खाता है। ऐसा तो नहीं आपका बैंक में खाते में नाम दूसरा हो और आप स्कॉलरशिप में नाम दूसरा भरो। तो यहाँ पे आपको नाम भी वेरीफाई करना है, फिर यहाँ पे टिक करना है और अपडेट करके आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अनुमोदित नॉन रिफंडेबल शुल्क डालना है। ये जानकारी आपको आपकी फ़ीस रसीद पे मिल जाएगी। अगर आपके पास फीस रसीद में कुछ जानकारी है और आपको कंफ्यूजन है कि उसमें नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना है तो आपको अपने जो है कॉलेज में जाना पड़ेगा और उसको जो है आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए आप उसको यहाँ पे कुछ भी अमाउंट जो है भर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद जाँच के लिए प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट को आपको अपने कॉलेज में लेकर जाना है और वहाँ से उसको वेरीफाई कराना है। बहरहाल मुझे पता था, मैंने यहाँ पर डाल दिया और अपडेट करके आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अपने बिल्कुल आखिरी स्टेप में आ चुके हैं, यानी कि लास्ट ईयर का डिटेल्स देना है। बता दें लास्ट ईयर के डिटेल्स में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपको इंटर का डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया तो मैं यहाँ पे पूछेगा सबसे पहले कि आपका जो ग्रेजुएशन था वो वार्षिक प्रणाली में था कि सेमेस्टर में था, यानी कि आपका जो रिजल्ट था वो वार्षिक वाइज आता था कि आपको जो है सेमेस्टर वाइज आता था। यहाँ पे आपको प्राप्तांक लिखना है कि आपको लास्ट ईयर में जो है कितना नंबर जो है मिला है, और यहाँ पे आपको पूर्णांक लिखना है कितने में से मिला है, और यहाँ पे आपको शिक्षण संस्थान का नाम लिखना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आपको डाल देना है और अपडेट करके आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल अल्पसंख्यक के लिए कुछ और भी ऑप्शन खुलते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा है तो आपको इसमें भरना है, नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, यहाँ पे आपको टिक करना और अपडेट करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पे अब आपको दोबारा होम वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस पे ग्रीन आ रहा है आप देख सकते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब बची है इसमें फोटो और फिर जो है कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोटो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो लगानी है। फोटो का साइज़ बता दें 20 KB जो है मैक्सिमम साइज़ है। अगर आपको साइज़ सेट करने में दिक्कत आए फोटो का तो आप जो है इसको ऑनलाइन भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको rozgarrizult.com खोलना है। rozgarrizult.com पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिसाइज और फोटो सिग्नेचर, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते मैंने आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्राउज करके अपनी फोटो या सिग्नेचर जिसकी भी साइज़ में दिक्कत आ रही हो लगाना हो। जैसे कि इसमें फोटो की दिक्कत है तो फोटो लगाना है। फोटो लगाते हैं आपका साइज़ फोटो अपलोड आपको यहाँ दिखने लग जाएगी और उसका साइज़ आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। मान लीजिए साइज़ कम है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर 30 KB से साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ से इसका विड्थ और हाइट कम करके रिसाइज पर क्लिक करके उसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं। मैं इसको अपलोड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जब तक फोटो हमारी अपलोड हो रही है तब तक हम आपको कुछ दर चीज़ें और बता देते हैं। जैसे कि इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरा आय प्रमाण पत्र है। आपको भी इस तरह अपना आय प्रमाण पत्र निकाल लेना है, जिसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे इसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक की जो है जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको एक जगह निकाल के रख लीजिए। साथ ही साथ जो है आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी निकाल के रख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो अपना आय और कास्ट दोनों ही निकाल लिया है। इसमें भी आपको जो है आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र नंबर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक चीज़ की जरूरत और पड़ेगी, जैसे कि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कुर्मी, तो आप जो है किस जाति से बिलोंग करते हैं उसका भी डिटेल्स आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं कुर्मी हूँ, तो यहाँ कुर्मी जो है आपके जो आय प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा है वही चीज़ जो है आपको लिखनी पड़ेगी। वापस चलते हैं अपने पोर्टल पर। आप देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे एक व्यू फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको व्यू फोटो पे भी क्लिक करके अपनी फोटो देख सकते हैं, लेकिन साइड इतनी स्लो चल रही है। हम वापस अपने होम पेज पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं फोटो भी हमारी लग चुकी है, जो चारों चीजों में आप ग्रीन देख रहे हैं ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आवेदन पत्र में संशोधन, लेकिन अभी हम इस पर नहीं करेंगे, अभी हम चलेंगे आय एवं जाति प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि आय और जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको जाँच हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक मत कीजिएगा आवेदन पत्र संशोधन करें, क्योंकि वन टाइम होता है। आपको आय जाति का जो है वेरिफिकेशन करना है और साथ ही साथ अपने आधार का भी वेरिफिकेशन करना है, जिसको कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूं कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जांच वाला प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो है अपने कॉलेज जाना है, उस कॉलेज से जो है अपना जो प्रिंट आउट है पूरा उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है ध्यान रखना है, उसके बाद जो है यहां पे आपको जो इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के ठीक 3 दिन बाद आपका यहां से प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट आउट जो निकलेगा वो प्रिंट आउट आपको संस्था में अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो है जमा करना है। बहरहाल मैं आपको जो है सबसे पहले ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको वेरीफाई करके दिखाता हूं। जाति प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें मांग रहा है, एक आपका जो है आवेदन क्रमांक मांग रहा है और दूसरा जो है आपका आय प्रमाण पत्र का क्रमांक मांग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आपको डाल देना है। मैंने आपको दिखाया था इनकम सर्टिफिकेट में कहाँ रहता है, मैं इनकम सर्टिफिकेट दोबारा खोल देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक दिया हुआ है, जिसको कि हम वहाँ पे डालते हैं और उसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आय प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई हो चुका है। और जैसे आय प्रमाण पत्र वेरीफाई होगा यहाँ नीचे जो है जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन खुल जाएगा, आपको सेम प्रोसीजर करना है। देखिए आय प्रमाण पत्र मेरा वेरीफाई हो चुका है देख सकते हैं, और ये सब मिलान होना जरूरी है, नहीं होगा मिलान तो आपकी स्कॉलरशिप किसी भी कारण से रुक सकती है। सेम वही प्रोसीजर हम करते हैं, अपने जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई कराते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें आपको मैंने कहा था उपजाति की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कास्ट सर्टिफिकेट में कि उपजाति जो है आपको यहाँ पे दी हुई है। देखिए उपजाति दी हुई है कुर्मी, तो इसी तरह मैंने जो है अपने यहाँ पे जो है कुर्मी जो है डाल दिया है। अपना जाति का जो है नंबर, जाति का आवेदन क्रमांक, दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हम यहाँ इसको सबमिट करते हैं, उसको भी वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा आय जाति भी जो है वेरीफाई हो चुका है। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है केवल जो है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन तुरंत भी कर सकते हैं और चाहे तो जांच वाला प्रिंट आउट के बाद भी जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं आपको ओटीपी वेरिफिकेशन भी जो है करके दिखाता हूँ। कभी कभी होता है एक प्रॉब्लम आती है कि आप आगे का ऑप्शन नहीं खोलते, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना है, तो आपका वो ऑप्शन जो है खुल जाएगा। मैं दोबारा लॉग इन करने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन खुल चुका है, जिसमें लिखा है प्रामाणिकता हेतु आधार कार्ड नंबर डालें। तो अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे हमने उस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको बता दें यहाँ पे आपको जो है अपना नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों बीच बीच में आपको इस तरीके की समस्या भी आ सकती है। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम इस पर जो है क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, यहाँ पे वेरीफाई का जो बटन दिख रहा है, जैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए उसको डाल के आपको वेरीफाई कर देना। चलिए करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारे स्कॉलरशिप का आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारे स्टेप पे ग्रीन हो चुका है, यानी कि इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपना आधार का वेरीफिकेशन कैसे किया, अपना जो है डेमोग्राफिक यानी कि आय जात का निवास का जो है ई वेरीफिकेशन कैसे किया, और ये OTP का वेरीफिकेशन बता दे। ये बहुत से लोगों में जो दिक्कत आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि उनका नाम मिसमैच होता है, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और लास्ट में आपको यहाँ पे संस्था में जमा करने वाला प्रिंट आउट निकालना है और उसको अपने कॉलेज में जमा कर देना है, यहीं पर आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसकी मदद से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।